कीजिए इसे टेलीकॉम और इस मार्केट को एक बेहतर टेक्नीशियन दीजिए और अपना नाम बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हुआ है सिल्वर जंपर वायर है और कुछ यहाँ पे पीपीडी रखे होंगे, यहाँ दिखाइए। तो कुछ यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पीपीडी का कलेक्शन है और यहाँ पे मेरे आईफोन के टूल्स का कलेक्शन है। कि जब हमें टाइम पास करना होता है तो हम बकायदा यहाँ पर वीडियो गेम खेलते हैं, मस्त मजा आता है। ये मारियो लगा लेते हैं और ये ब्लेड और यहाँ पे रोजिन, ये कि एक मल्टीमीटर फ्लिप का मेरे पास एक और है। तो मुझे जस्ट पीछे और मुझे बार बार ऐसा ऊपर ऊपर करके मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ फिर ऊपर देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ऊपर देख रहा हूँ। इसलिए जस्ट पीछे टीवी लगाया हुआ है और मल्टीमीटर भी बाजू में है। देखिए तो ये कितना अच्छा काम करेगा, तो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए तो ये सारी एयर इसको ये खींच रहा है, आप देखिए। ये देखिए तो ये मेरा 4 नंबर का ब्लेड है। ये यहाँ पर अगर मुझे स्क्रैचिंग करनी है या किसी तरह का माइक्रो जंपरिंग करने के टाइम पे मेरे को काफ़ी टाइम में आता है, या सीपीयू के बॉल बनाने के लिए। ये मेरा ब्रश है, तो ये 2 तरह के ब्रश मैं यूज़ करता हूँ। टेलीकॉम के पास है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टूल्स के बारे में। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ पीसीबी होल्डर। तो मेरे पास में 3 पीसीबी होल्डर्स हैं, तो आप किसी भी एक पीसीबी होल्डर पे जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बॉक्स मैंने ले लिए हैं जो मैं यहाँ काम करने के हैं। और ये यहाँ पे देखिए कस्टमर के जो फोन आते हैं वो यहाँ पे काम करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक आईसी का बॉक्स है, ये तो आपको जानते ही हैं कि हर टेक्नीशियन को ये लगती रहती है। और इसके अलावा भी ये जो DSO है, ये आपको मॉडल नंबर दिख रहा होगा, आप इसका मॉडल नंबर को आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए है। यहाँ पर ये देखिए, तो ये मेरा आईफोन के लिए हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरा आईफोन के लिए, ये फेस आईडी के लिए हमारा होता है और ये UEFI हमारा होगा। मैं 2-3 मल्टीमीटर और यूज़ करता हूँ जो मैंने यहाँ पे साइड में रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मल्टीमीटर मैं यूज़ करता हूँ और इसके अलावा एक मल्टीमीटर मैं ये वाला भी यूज़ करता हूँ। सोल्डिंग आयरन की तो दिखाइए, तो सोल्डिंग आयरन मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ JBC का। ये देखिए JBC का सोल्डिंग आयरन यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा महंगा है आपको। बाद में मैं बात करता हूँ माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं मेरे पास में अभी 2nd जनरेशन का माइक्रोस्कोप है। थोड़ा दिखाइए माइक्रोस्कोप। मैं ये यूज़ करता हूँ एम्पियर को चेक करने के लिए, हालांकि इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि आईफोन का मैं थोड़ा काम करता हूँ, इसलिए डीसी मशीन दिखाइए यहाँ पर। तो ये देखिए ये डीसी मशीन मेन होता है, ये हमारा मेन हथियार है। तो मैं 2 SMD यूज़ करता हूँ यहाँ पे। एक SMD है 857DW+ और एक है 867। दोस्तों जो मेजर इक्विपमेंट है जो आपको मोबाइल रिपेयरिंग के टाइम पर लगेंगे, वो सबसे पहले मेजर इक्विपमेंट आप एक पन्ना ले लीजिए और नाम लिखते जाइए कि यही आपको ज़रूरत है। तो हाँ दोस्तों, मैं देवेंद्र अग्रवाला स्वागत करता हूँ आपका इस टेलीकॉम के इस मोबाइल ट्रेडिंग के चैनल पे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जो देखेगा, ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बनाया हुआ है। ये वीडियो अभी फिलहाल ट्रेडिंग पे नहीं है, ये वीडियो है मोबाइल रिपेयरिंग के बिजनेस को लेके। कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि यार मैं मोबाइल रिपेयरिंग में खोलूं तो मुझे क्या क्या टूल की जरूरत पड़ेगी या किस तरह का सेटअप मुझे बनाना पड़ेगा, तो आइए आप मैं अपने सेटअप को लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि मैं क्या यूज़ करता हूं पर्सनल। ये मेरी एक लैब है, ये मेरी पर्सनल लैब है जो मेरे इंस्टीट्यूट में है। ये बेसिकली मेरे इंस्टीट्यूट से अलावा ये मेरी लैब है, मेरे इंस्टीट्यूट में अलग है। आप देखते होंगे वीडियो अभी लाइव भी चल रहा होगा, हमारे फेसबुक में जाकर देख लेना, सर्च कर लेना इसे टेलीकॉम। बट ये हमारे अलावा है, यहाँ हम वो काम करते हैं जो हमारे को डेली कस्टमरों के या जो भी बाहर से कुरियर आते हैं वो हम बनाते हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ सिंगल मेरी एक लैब है। तो इस लैब में मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ और टूल, तो मैं आपको इस वीडियो में सारे टूल की जानकारी दूंगा। बहुत सारे टूल आप नए नए देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखना भाई, डाउनलोड कर लो भले ही ऐसा भी क्या है, नहीं देने व्यू तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर देना अगर अच्छा हो तो। बाकी और जो बहुत प्यार करते हैं वो डिसलाइक तो देंगे और अब तक तो दे भी दिया होगा, बट इतना है कि चाहने वाले बहुत हैं और हमको हमसे सीखने वाले भी बहुत हैं, हम तो उनके लिए ही काम करते हैं। और यहाँ पर ये वीडियो है बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि मेरी टेबल की हाइट कितनी है, चेयर कैसी होनी चाहिए और माइक्रोस्कोप मैंने कौन सा लिया हुआ है, क्या क्या मैं स्क्रैपर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सारे आपको स्क्रैपर भी बता दूंगा और सब कुछ यहाँ पर डिटेलिंग करके दिखाऊँगा। तो ये वीडियो डिमांड पे देख सकते हैं आप, इस तरह के मेरे पास में कमेंट्स आते हैं जहाँ लिखा रहता है कि सर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दुकान खोलना है, सजेस्ट करो कि हमारे को टेबल कितनी हाइट की होनी चाहिए, कैसा सेल्फ हम बना सकते हैं। तो सारा चीज़ क्या क्या हम शुरुआती तौर पे आप शुरू कर सकते हैं, तो ये मैं हालांकि ये शुरुआती तौर पर नहीं है, ये बहुत एडवांस लेवल की लैब है, बट आप शुरुआती तौर पर इससे समझ सकते हो कि मुझे क्या क्या लेना होगा और क्या क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेलिंग करके बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरी टेबल की हाइट क्या है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये मेरी टेबल है, तो यहाँ पर जो टेबल की हाइट होनी चाहिए ये बेसिकली यहाँ पे 30 इंच मैंने टेबल का हाइट रखा हुआ है।
और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई भी मेरी थोड़ी ज़्यादा है और ये चौड़ाई भी मैंने लगभग 28 से 30 इंच मैंने रखी हुई है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर आपको सेल्फ दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर सेल्फ देखिए आप, यहाँ पर ये सेल्फ और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 18 इंच। ये ज़्यादा रखनी है आपको, क्योंकि आप देखिए आप माइक्रोस्कोप जब आप यूज़ करते हैं ना, तो ये आपका माइक्रोस्कोप के साथ में लगना नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली माइक्रोस्कोप अंदर चले जाए। तो ये तब जब आप नॉर्मल भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहो तो उसको आप अलग अलग डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। कई लोग मैनुअली बना लेते हैं, या बूम स्टैंड यूज़ कर रहे हो या बूम स्टैंड नहीं भी यूज़ कर रहे हो। तो टेबल की हाइट आप समझो, चौड़ाई आप कितनी भी रख सकते हो। आप देखिए मेरी चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है, और हालांकि मैं इतना ही पार्ट यूज़ करता हूँ। तो ये जो कुर्सी से लेके यहाँ तक की हाइट, उसको मेजर करने के लिए अपने पास टेप यूज़ कीजिएगा, तो ये आप हाइट रख सकते हो। अब देखिए, मतलब देखा जाए तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या कम है, अगर आप टेबल की हाइट को बहुत ज़्यादा रखोगे, 30 इंच से भी ऊपर के रखोगे, तो आपके शरीर में दर्द हो सकता है काम करते करते। और छोटी हाइट वालों के लिए तो ये चीज़ अच्छी भी नहीं होगी, क्योंकि पैर उनके ऊपर रहेंगे, काम वो यहाँ करेंगे, इस तरह से बाहर जैसा फील होगा। तो आप जो कुर्सी यूज़ करते हो ना, वो हाइड्रोलिक कुर्सी यूज़ करना, जो नीचे और अप डाउन हो सके। मेरी कुर्सी का हाइड्रोलिक ख़राब हो चुका है, तो इसलिए ये ऐसे ही है। फिलहाल ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। हाइड्रोलिक कुर्सी होनी चाहिए और बेंड हो सके, तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती। आप कुर्सियाँ और तरह की यूज़ कर सकते हो। एक कुर्सी मेरी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, तो इस तरह की भी कुर्सी भी यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर दिखाइए। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि कम्प्लीटली मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, जो इसकी मेरी हाइट है वो 30, यहाँ से मैंने जो यूज़ किया है वो 28 से 30 इंच। और जो मेरी बेसिकली इससे और इसके सेल्फ की जो तो सेल्फ बनाने से फ़ायदा होता है, अब ऊपर अलग अलग तरह के अब यहाँ पे बॉक्स से या अपने जरूरी टूल से ये सारी चीज़ रख सकते हो। और इसके अलावा आप चाहो तो सेल्फ के ऊपर सेल्फ, और ये तो आपके ऊपर है कि जितने सेल्फ आप बनाना चाहो। अगर इस सेल्फ की मैं चौड़ाई बताऊँ आपको, थोड़ा पास लाइए, तो इस सेल्फ की जो चौड़ाई है वो कम से कम 10 से 12 इंच होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा रखोगे ना तो बहुत आगे आ जाएगा। आप चाहें तो इसको एल शेप में भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से सामने लिया, अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने वाला हूँ कुछ दिनों में, और यहाँ पर एक और एक जिस तरह से आप ये टेबल देख रहे हैं, टेबल यहाँ पे भी बनाऊंगा जो एल शेप में हो जाएगा, कि जो मैं सामान यहाँ है उस तरह यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो बहुत इजीली मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ, ऐसे बैठकर यहाँ पर मैं अपना लैपटॉप वैपटॉप यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा इस तरह से रिपेयरिंग करने के लिए। तो आइए थोड़ा सा आगे आइए, और चलिए मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों जो मेजर इक्विपमेंट है जो आपको मोबाइल रिपेयरिंग के टाइम पर लगेंगे, वो सबसे पहले मेजर इक्विपमेंट आप एक पन्ना ले लीजिए और नाम लिखते जाइए कि यही आपको ज़रूरत है। दाम भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता जाऊंगा, तो मैं फिक्स दाम तो मुझे भी याद नहीं है कि कितने में ख़रीदा होगा, क्योंकि दाम बढ़ते और घटते रहते हैं, तो एक दाम के वेरिएशन हो सकता है, तो इसलिए वेरिएशन ही बताऊंगा कि इतने से इतने के बीच में मिलेगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ SMD, थोड़ा यहाँ आइए आप देखिए, तो ये सबसे मेन होता है, ये हमारा मेन हथियार है। तो मैं दो SMD यूज़ करता हूँ, यहाँ पे एक SMD है 857DW+ और एक है 867। सो जो मेरी सबसे बेस्ट है, और मैंने दोनों को हैंडल्स में रखा हुआ है, ये मैंने अलग से 2000 का परचेस किया हुआ है, ये आजकल मार्केट में आ रहा है 857DW+ के लिए। सो ये वाली जो SMD है ये मैं एंड्रॉयड में यूज़ करता हूँ, और ये वाली SMD मैं आईफोन में यूज़ करता हूँ। ये वाली SMD अप्रोक्स 5 से 6 हज़ार के बीच में, और ये आपकी 13 से 15 हज़ार के बीच में, 14-15 हज़ार के बीच में आ जाएगी। अब इसके अलावा दूसरा जो आपका मेन हथियार है वो DC मशीन, दिखाइए यहाँ पर। तो ये देखिए ये DC मशीन है, तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जूम कीजिएगा हिलाकर, तो ये कोराट की DC मशीन है, 5 एम्पियर की, देखिए 5 एम्पियर की DC मशीन है कोराट की, मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा ये DC मशीन ये फोंगकोंग की है, ये यूज़ करता हूँ एम्पियर को चेक करने के लिए, हालांकि इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि आईफोन का मैं थोड़ा काम करता हूँ, इसलिए यहाँ पर इस मशीन को भी मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मशीन जो DC की है ये 4 से, यहाँ पे दिखाइए, ये जो मशीन है 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में है, और ये मशीन आपकी 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में है। अब इस बात में मैं बात करता हूँ माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं मेरे पास में अभी 2nd जनरेशन का माइक्रोस्कोप है, थोड़ा दिखाइए माइक्रोस्कोप के बाद 2nd जनरेशन का ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप है। बाइनोकुलर वो होता है जिसके अंदर कैमरा नहीं होता, तो उसके अंदर आपको कैमरा भी देखने को मिल रहा है, और ये बूम स्टैंड के साथ है। इसकी जो कीमत है मार्केट में है 30 से 35 हज़ार रुपये, तो बेसिकली भी क्योंकि ये बूम स्टैंड के साथ है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका जूमिंग जो वाइड एंगल है वो काफ़ी अच्छा है। अब इसके बाद में बात करता हूँ सोल्डिंग आयरन की, तो दिखाइए। तो सोल्डिंग आयरन में यहाँ पर यूज़ करता हूँ JBC का, ये देखिए JBC का सोल्डिंग आयरन यूज़ करता हूँ। ये थोड़ा महंगा है आपको, क्योंकि इससे मेरे दोनों काम हो जाते हैं, और ये मैं काफ़ी मुझे 2.5 से 3 साल हो गए हैं ये आयरन यूज़ करते हुए। आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो 17 से 25 हज़ार के बीच में होता है। जो इसके अलावा आपको सोल्डिंग आयरन है वो मैं सजेस्ट करूँगा सोगुन का,
मैं बात करूं ये आर्यन की, मैं आपको लेने की बात नहीं करूंगा क्योंकि आर्यन आपको सोगुन का परचेस करना है और जो एंड्रॉइड में आता है, और दोस्तों वो भी 9 से 10 हज़ार का आता है अगर आप जेबीसी बिट यूज करना चाहते हैं। यहाँ दिखाइए, ये देखिए इसके अंदर ये जो बिट आती है इसको फैन बिट कहते हैं, ये ओरिजिनल जेबीसी बिट है। ये काफी हल्की होती है और टेम्परेचर के मामले में तो ये तो बेस्ट आर्यन है पूरी इंडस्ट्री में, सब लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो उसके बारे में पता कीजिए। दोस्तों मैं आपको आर्यन सजेस्ट करूँ तो T12 Pro ये आर्यन आ रहा है, और इसमें जेबीसी के बिट के साथ भी आ रहा है, 4 से 5 हज़ार के बीच में आ रहा है विदाउट जेबीसी बिट के साथ, ये 2,000 से 2,200 रुपए के बीच में आपको आर्यन मिल जाएगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे आपको SMDs, DC मशीन, RN, माइक्रोस्कोप, मल्टीमीटर की बात करेंगे तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मेरे देवदन अग्रवाल के चैनल पे, ये मल्टीमीटर मैं यूज करता हूँ। और इसके अलावा आप मैं 2-3 मल्टीमीटर और यूज करता हूँ जो मैंने यहाँ पे साइड में रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये मल्टीमीटर मैं यूज करता हूँ, और इसके अलावा एक मल्टीमीटर मैं ये वाला भी यूज करता हूँ, ठीक है। और ये मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, आप दिखाइए यहाँ पर, ये कुछ PCBs के लिए रखा हुआ है, स्क्रैप PCB के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह के बॉक्स में मैं अपने सॉफ्टवेयर का भी काम रख लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ये देखिए, तो ये मेरा आईफोन के लिए हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा आईफोन के लिए, ये फेस आईडी के लिए हमारा होता है, और ये UEFI हमारा हो गया, और इस तरह से और भी यहाँ पर बहुत सारे टूल्स होते हैं यहाँ पर, और ये भी हमारे कुछ स्क्रैप बोर्ड और हमारे कस्टमर के बोर्ड होते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ जो स्क्रैप बोर्ड है, जो यूज़ जो स्क्रैपर या जो टूल्स है जो मैं सामने टेबल पर नहीं रखना चाहता क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मैसअप हो जाती है, तो उसके लिए मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया है। और एक और मल्टीमीटर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, दिखाइए, तो ये फ्लिप का मल्टीमीटर मैं यूज़ करता हूँ आईफोन के टाइम पर, जब भी मैं आईफोन का काम करता हूँ, और नॉर्मल हमारा सारे स्क्रैप बोर्ड का। पर ये जो DSO है ये आपको मॉडल नंबर दिख रहा होगा, अब इसका मॉडल नंबर को आप नोटिस कर सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए है। और यहाँ पे कुछ बॉक्स मैंने ले लिए हैं जो मैं यहाँ काम करने के, और ये यहाँ पे देखिए कस्टमर के जो फोन आते हैं वो यहाँ पे काम करने के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक IC का बॉक्स है, ये तो आपको जानते ही है कि हर टेक्नीशियन को ये लगती रहती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ICO के बॉक्स है जो कि मैंने बताया कि लैब है छोटी सी, हमारे पास इंडिया की सबसे बड़ी लैब है दोस्तों, देखना है तो ये एसर टेलीकॉम के चैनल पे जाके देखो, जहाँ स्टूडेंट बैठे हैं 40-50 एक साथ बड़े एक एडवांस लैब में जो कि एसर टेलीकॉम के पास है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टूल्स के बारे में, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ PCB होल्डर। तो मेरे पास में 3 PCB होल्डर्स हैं, तो आप किसी भी एक PCB होल्डर पे जा सकते हैं। तो पहला ये जो नॉर्मल स्टार्टिंग रेंज पे आ जाता है 300-500 के अंदर में, दूसरा ये है MR6 Pro, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 1200 या 1400 रुपए के रेंज में, और दूसरा ये आईफोन के लिए है जो आपको ये मिल जाएगा ये 1500 से 2,000 के बीच में। तो ये वाला तो एंड्रॉयड के लिए यूज नहीं होता है, ये वाला एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए यूज होता है। इसमें आप रख के IC दिखाइए यहाँ पर, तो इसमें आप है ना IC भी रख सकते हैं, देखिए जैसे सपोज मैंने ये IC यहाँ पे बीच में रखी है, और ये देखिए तो बहुत आसानी से इसमें IC आ जाती है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये मैं तो काफ़ी अच्छा है इसको समझता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है आप जितनी भी IC रखो तो बहुत सारी IC के डिज़ाइन यहाँ पे मैच नहीं हो पाते हैं, और IC यहाँ सेलेक्टी हैं यहाँ से, मतलब फिसलती हैं, तो काम करने में आसानी नहीं होती है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा एक बैटरी एक्टिवेटर है जो भी यूज़ करता हूँ, जो मेरे को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं उनकी बैटरी उतरी होती है। और ICO को रखने के लिए ये संडे मंडे एक छोटा सा बॉक्स होता है, आप देख सकते हैं ये मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। और भी तो छोटे छोटे बॉक्स यूज़ करता हूँ, ये बाजू में मैंने एक बॉक्स रख लिया जहाँ पे कोई भी IC उतारता तो इस बॉक्स में रख लेता हूँ। और इसके अलावा अब मैं आपको बात करूँगा, ये मेरा UV पेस्ट है, यहाँ पे देखिए UV पेस्ट और UV लैम्प है, तो एक लैम्प मेरे पास में ये है और दूसरा लैम्प मेरे पास में ये है, तो इसमें भी सेल ख़त्म हो गया आई थिंक, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। और ये मेरा UV ग्लू है, ये UV ग्लू है माइक्रो जंपर करने के लिए, और ये मेरा माइक्रो जंपर है, ये आपका आता है ये मान के चलो कि 200 रुपये के बीच, 200-300 रुपये के में का आपका जंपर वायर आता है, और ये आपका कंप्लीट 300-400 रुपये का पैकेज में आ जाता है। और अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ PPD, तो एक मैं फोंगकॉन्ग का यूज़ करता हूँ 183, और यहाँ पर जो मैं यूज़ करता हूँ 138 रिलाइफ का। और अगर मैं स्क्रैपर की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर स्क्रैपर की बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर स्क्रैपर, तो ये मेरा 4 नंबर का ब्लेड है, ये यहाँ पर अगर मुझे स्क्रैचिंग करनी है या किसी तरह का माइक्रो जंपरिंग करने के टाइम पे मेरे को काफ़ी टाइम में आता है, या CPU के बॉल बनाने के लिए
ये मेरा ब्रश है, तो ये दो तरह के ब्रश मैं यूज़ करता हूँ। आप अगर इस ब्रश से काम करते हैं तो मेरे भाई आप अभी बच्चे हैं और मुझे लगता है कि आपको एक हार्ड ब्रश लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस फील्ड में सिवल इस ब्रश से कुछ नहीं होता है। तो ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, ये आपको आ जाएगा 800 से 1000 का, ये तो आपका 10-20 रुपये वाला ब्रश है। और ये आपका ताकि हम जितना हम चाहें उतना हम डाल सकते हैं, इंजेक्शन है, काफ़ी अच्छा है। और जो फ्लक्स इसमें डलता है, मैं वोल्सोलो का यूज़ करता हूँ। ये देखिए, ये फ्लक्स वोल्सोलो का है, ये यूज़ करता हूँ। एक फ्लक्स मैंने यहाँ पर रखा हुआ है मैकेनिक का, ये मैकेनिक का फ्लक्स यूज़ करता हूँ। देखिए, सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं सर आप फ्लक्स किसका यूज़ करते हो, ये वे सब कुछ है भाई, पूरा वीडियो आराम से देखिए। और दिखाइए यहाँ पर, और देखिए स्क्रैपर की बात करता हूँ तो ये स्क्रैपर मैं यूज़ करता हूँ आईसी ग्लू काटने के लिए और आईसी निकालने के लिए, एक स्क्रैपर। और तो मैंने जो जो चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वो चीज़ मैं, ये देखिए, ये आईसी को निकालने के लिए स्क्रैपर है, नॉर्मल है, अगर आपको आएगा तो आप किसी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो कुछ स्टेंसिल यहाँ पे वो रखी हुई हैं जो मेरे रेगुलर यूज़ में आती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है RL405 आई थिंक, ये SMD और PPD का पेस्ट मिक्स है। और एक ब्रश ये भी है, ये भी मैंने परचेस किया था, तो ये भी ब्रश यूज़ करता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये इस तरह से तीन ब्रश हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ब्लेड कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, एक 22 नंबर का ब्लेड है और एक 11 नंबर का ब्लेड है। और 11 नंबर के एक्चुअली मेरे पास दो हैं, एक नए और एक पुराना, तो ये मैं स्क्रैचिंग के टाइम पर यूज़ कर लेता हूँ। और ट्विजर की बात करूं तो ट्विजर आप, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, तो एक आप देखिए स्ट्रेट ट्विजर है और एक ऐसी मेरे पास एक बैंड ट्विजर भी है। ये देखिए, ये स्ट्रेट ट्विजर है और ये मेरे पास बैंड ट्विजर है, तो मैं दोनों ट्विजर का यूज़ करता हूं और मेरे को काफ़ी अच्छा एक अनुभव मिल जाता है इनसे, और मेरे को कुछ दूसरे ट्विजर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके अलावा मैं बिट क्लीनर के लिए, आप देखिए यहाँ पर एक स्पंज मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, तो पानी इसमें डाल देते हैं, जनरली ये फूल जाता है, तो बिट क्लीनर है। पहले मैं बिट क्लीनर के लिए ये यूज़ करता था, इसके अंदर रखा होता था, तो ये ख़राब हो चुका है, मुझे चेंज करना है। और कुछ क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये आपके एयरबड ले कर रखे हुए हैं, तो ये मेरे क्लीनिंग के लिए हैं। और मेरे कुछ ग्लू व्लू निकालने के लिए आप देख सकते हैं टूथपिक मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने रखी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पे आइए तो ये फ़ैन है, काफ़ी अच्छा है। जैसे सपोज अगर मैंने इस फ़ोन में किसी मतलब कहीं पे कोई भी काम किया है और मुझे अगर हीटिंग का फॉल्ट और प्रॉब्लम लगता है कि जल्दी मुझे उसको ठंडा करना है, तो इस तरह से मैं इसको रख लेता हूँ, चाहे तो इस तरह से भी रख लेता हूँ, तो ये मेरे लिए आसान हो जाता है। या मैं अगर एयर, मैं अगर सोल्डिंग आयरन पे काम कर रहा हूँ तो इसको मैं चलाकर इस तरह से रख लेता हूँ, तो ये जितना भी, ये देखिए तो ये कितना अच्छा काम करेगा, तो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो ये सारी एयर इसको ये खींच रहा है, आप देखिए, ये देखिए, तो ये एयर ऊपर आने नहीं दे रहा है। सपोज अगर मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो ये एयर आने नहीं दे रहा, तो ये बहुत अच्छी एक काम हो जाएगा। ये रोजिंग है दोस्तों, ये रोजिंग में यूज़ करता हूँ, और रोजिंग में दो है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों, हालांकि एक जैसे ही है, एक आप बिल्कुल पीले कलर का देख रहे हैं, काले कलर का, तो ये ओरिजिनल रोजिंग है, मैं आपको बता दूँ, वहाँ आप धोखा ना खा जाए। एक मैं यूज़ करता हूँ ये स्क्रू का रखने का, मैग्नेटिक स्क्रू होल्डर बोलते हैं इसको, आप देख ले, तो ये मैंने इनसे परचेस किया हुआ है। और डीसी मशीन में मेरे पास जो शॉर्ट कलर है, वो डीसी मशीन का मैं यहाँ का यूज़ कर लेता हूँ शॉर्ट कलर, तो इसके अंदर मेरे को शॉर्ट कलर मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट कलर को देखूँ तो ये बकायदा 4 तक आ जाता है, और एम्पियर भी इसका 20 एम्पियर के ऊपर है। और इसके अलावा जो थिनर यूज़ करता हूँ मैं, डूको का निकोल थिनर यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा, किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर आपको देखने को मिल जाएगा। और पीछे TV लगा के रखा हुआ है, मेरे को काफ़ी आसानी जाती है अगर मैं जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे जस्ट पीछे, और मुझे बार बार ऐसा ऊपर ऊपर करके मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ फिर ऊपर देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ऊपर देख रहा हूँ, इसलिए जस्ट पीछे TV लगाया हुआ है, और मल्टीमीटर भी बाजू में है, तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा होता है, तो ये मैं आसानी से यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं थिनर, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह की केन में रखा हुआ है, तो ये थिनर के लिए। और इसमें आपको क्या दिखा सकता हूँ मैं, तो इसके अलावा दोस्तों आई होप कि मैंने अगर कटर की बात करूंगा तो देखिए मैं PCB को जो उसका केन है काटने के लिए, यहाँ पे दो कटर हैं, आप दिखाइए थोड़ा, तो एक सनसाइन का ओरिजिनल कटर है और एक ऐसी डुप्लीकेट कटर है, तो दोनों ही कटर काफ़ी अच्छे हैं, मैं इन दोनों का यूज़ करता हूँ। तो ये कटर का भी हो गया है काम, और नॉर्मल ब्लेड यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर भी मेरे स्क्रैपर रखे हुए हैं, कुछ टूल यहाँ पर भी रखे हुए हैं जो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और स्क्रैपर की बात करूँगा दोस्तों, मेरे पास इतने स्क्रैपर है ना, आप सोच नहीं पाएंगे, दिखाइए यहाँ पर, ये देखें,
आप देखिए कि स्क्रैपर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और ये ब्लेड, और यहाँ पर रोजिन, ये एक मल्टीमीटर फ्लुक का मेरे पास एक और है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सॉफ्टवेयर के बॉक्सेस तो मैंने आपको बता के रखे हुए हैं। ये मेरा पीसी है जिसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ अगर मेरे को सॉफ्टवेयर का काम करना है या फिर गूगल चलाना है। बाकी मेरा एक पीसी ये है और इसको मैं अटैच कर लेता हूँ इस टीवी के HDMI के थ्रू, जिसको मेरे को फ़ायदा हो जाता है। वो मेरा इसे टेलीकॉम का हमारा 1 लाख के ऊपर आने का हमारा यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन है। और अगर दोस्तों देख कर आपको पसंद हो तो हमारे को, और टाइम पास में एक छोटा सा वीडियो गेम रखा हुआ है, ये वीडियो गेम भी दिखाता हूँ यहाँ पर, कि जब हमें टाइम पास करना होता है तो हम बाकायदा यहाँ पर वीडियो गेम को खेलते हैं, मस्त मज़ा आता है। ये मारियो लगा लेते हैं और ये मारियो लगा के मैं इसको खेलता हूँ, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, पुरानी यादें आती हैं। तो मैं काफ़ी आगे तक जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी मज़ा आ जाता है खेलने में। ये देखिए तो ये काफ़ी अच्छा है, तो ये टाइम पास के में हो जाता है। तो बाकायदा आप ये मारियो ले सकते हो ये भी, तो ये मैं खेल लेता हूँ। और एक मेरी हार्ड डिस्क है जो फ्लैश फाइल की है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी फ्लैश फाइल की हार्ड डिस्क है जिसमें मैं अपना सारा डाटा रखता हूँ। और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे स्क्रैप बोर्ड है, थोड़ा यहाँ दिखाइए, ये भी मेरा एक आप देखिए स्क्रैपर का एक टूल है जहाँ पे मैंने स्क्रैपर रखा हुआ है, सिल्वर जंपर वायर है, और कुछ यहाँ पे PPD रखे होंगे, यहाँ दिखाइए। तो कुछ यहाँ पे आप देखिए कि मेरे PPD का कलेक्शन है, और यहाँ पे मेरे आईफोन के टूल्स का कलेक्शन है जहाँ पे मैं आईफोन के बहुत सारे टूल्स और गैजेट रखे हुए हैं जो हमारे को आईफोन में काम करते हुए आते हैं। ये हमारे स्टीव जॉब है ना, और ये कम्प्लीटली हमारी लैब, और सामने हमारा आपको देख सकते हैं इसका वीडियो बहुत जल्दी में आने वाला है मार्केट में, जो कि सैमसंग में सबसे पहली बार मेरे चैनल पे आएगा, जिसको मैं समझाऊंगा डीपली लेवल पे। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो में बताया है कम्प्लीटली, इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है, कोशिश की गई है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे। तो इसके लिए अगर ये ज्ञान कंटिन्यू रखना है, आप चाहते हैं कि यार मज़ा आ गया कसम से यार, इतनी सारी चीज़ देखने को मिली, इतने सारे टूल देखने को मिले और मज़ा आ गया, एक नॉलेजेबल बंदे से नॉलेज ही मिलता है, तो आप इस वीडियो को बनाए रखिए, चैनल को बनाए रखिए, अपना ज्ञान बनाए रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करो, हो सके तो लाइक कर दो। और दोस्तों अगर आपको नॉलेज लेना है बिल्कुल जीरो से हीरो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हो, और अगर आपको देखना है कि इंस्टीट्यूट में कैसा पढ़ाते हैं तो अभी भी लाइव में आ रहे होंगे, ये करेंटली अभी रात के वीडियो टाइम पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये आप चाहे तो 8 बजे हमारे 8 बजे 9 बजे भी हम लाइव आते हैं। सो इंडिया में लाइव ट्रेवल शूटिंग करना अब कोई आसान नहीं है, बहुत ईजी हो चुका, अब कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी हो चुका है, बट उसको दिखाना मुश्किल होता है, जो कि सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट के लिए आसान होता है, वो है SA Telecom। ज्वाइन कीजिए SA Telecom और इस मार्केट को एक बेहतर टेक्नीशियन दीजिए और अपना नाम बनाइए। थैंक यू वेरी मच।